हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इधर रतिया में प्रेमनगर बस्ती के लोगों ने लंबवत होकर बस्ती में मूलभूत सुविधाओं को लेकर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के सामने नारेबाजी की। बस्ती के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रशासन पर बस्ती में मूलभूत सुविधाओं पर अनदेखी के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि बस्ती में न तो सफाई व्यवस्था की उचित प्रबंध है, न ही युवाओं के लिए खेलने का सामान उपलब्ध है। कुछ अधिकारियों के पास बार बार चक्कर काटने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर दो दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ देंगे। प्रेमनगर कॉलोनी के अंदर जो समस्या है, पहले भी हमने कई प्रोटेस्ट करके हमें गलियां बनवाई हैं, आज वहां पर स्ट्रीट लाइटें नहीं है और कूड़े जो कूड़ेदान कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं और बीमारियां पनप रही है और सफाई न होने के कारण जो पानी है नालियों का वो सड़कों के ऊपर बह रहा है। और हमने बार बार प्रशासन को चेतावनी दी है कि जो हमारी समस्या का हल होना चाहिए, लेकिन प्रशासन है जो हमारी समस्या का हल नहीं कर रहा है। क्या आगे फैसला, क्या आपका फैसला? तो ये है कि आज हमने 2 घंटे का धरना दिया है, अगर कल या परसों तक हमारी समस्या का हल नहीं होता तो हम बीडीपीओ दफ्तर के अंदर ताला लगाएंगे और जहां पर अनिश्चितकाल धरना देंगे।